हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। बहुत लेट के बाद आप लोग भी आप लोग से बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं व्यस्त था। मैं पापा बन गया दोबारा से, तो हॉस्पिटल में व्यस्त था, जिसके कारण मैं वीडियो या ब्लॉग जो भी हो नहीं बना पाया। तो आज थोड़ा फुर्सत मिला, क्योंकि आज डिस्चार्ज हो गया है और मैं फिर से दोबारा पापा बन गया हूँ। मेरा नया साल हॉस्पिटल में पूरा कटा है, क्योंकि हॉस्पिटल में ही मैं 1 तारीख से वाइफ को लेकर भर्ती था और 2 तारीख में मेरा बाबू जन्म लिया, रिशु का छोटा भाई। तो आज लेके जा रहा हूँ रीना जी को। देखिए, हेलो बोल दीजिए। देखिए, रीना जी के अभी तो स्वस्थ नहीं है, थोड़ा अभी तक भी ठीक नहीं है, जिसके कारण से ये दे रहा हॉस्पिटल। मैं वीडियो भी छुप के बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है, कैमरा लगा हुआ है, जिसके कारण मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता आप लोगों को, छुपा के बना रहा हूँ। और अभी मैं लेके जा रहा हूँ रीना जी को घर, तो फिर कंटिन्यू आप लोगों को डेली ब्लॉग में मिलेंगे। तो फ्रेंड, आज हम लोग घर जा रहे हैं लेकर वाइफ को, और बच्चा को भी लेके जा रहे हैं। बच्चा को देखिए, दादी लेके बैठी हुई है, मतलब मेरी माँ गोदी में। ये देखिए, देखा बाबू, ये देखिए, यही बाबू है। ठंड गैंगटोक में बहुत ज़्यादा काफ़ी है, जिसके कारण से मैं चेहरा नहीं दिखा सकता हूँ पूरा, और मैं भी स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैं धीरे से बोल के वीडियो बना रहा हूँ। ये देखिए, इधर कैमरा कैश, ये रहा कैश काउंटर, ये रिसेप्शन काउंटर है, ये रहा हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस। तो अभी हम लोग घर जाएंगे, अभी तो व्यस्त ही हैं, जिसके कारण से नहीं वीडियो बना पाते हैं। टाइम मिलने पर बना बना कर डेली अपडेट देता रहूँगा आप सभी को। अभी फ़िलहाल रखता हूँ, बाय, गुड नाइट। फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं घर। ये रहा हॉस्पिटल का बाहर का नज़ारा। अभी रात हो चुका है, जिसके कारण से पूरा क्लियर नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो देखिए, सिक्किम में गैंगटोक का नज़ारा कैसा है, देखिए। ये हॉस्पिटल का बाहर का गेट है, देखिए, मेन गेट। ये देखिए, गैंगटोक का बाहर का नज़ारा, ऐसा लगता है कि चांद निकला हुआ है, क्योंकि पहाड़ पे सब घर यहाँ पे बना हुआ, जिस कारण से लग रहा है कि लाइट जल रहा है, तो लग रहा है कि चांद निकला हुआ। इस तरह से देखिए बाहर का नज़ारा है, कितना अंधेरा हो गया अभी। अभी 5:30 ही शाम हुआ है, टाइम हुआ है, और जिसके कारण देखिए कितना अंधेरा है ठंड के कारण। देखिए, पापा यहाँ पे सामान लेके बैठे हुए हैं गाड़ी के इंतज़ार में, गाड़ी आ रहा है घर जाने के लिए। ये रहा मेन एंट्रेंस। हॉस्पिटल जाने का मेन एंट्रेंस है। आवे था वो। फ्रेंड, हम लोग घर में आ गए, सभी परिवार देखिए। और देखिए, छोटा रिशु घर में आने पर नहा रहा है। देखिए, बुआ के पास जाकर नया रिशु नहा लिया। अभी छोटा रिशु है। छोटा रिशु कैसा लगा, नया रिशु बताइएगा फ्रेंड, कमेंट करके, मैसेज करके। अभी घर में हम लोग आ गए हैं, अब नया ब्लॉग में मिलेंगे डेली। अभी के लिए रखते हैं, गुड नाइट, बाय।